हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चाहे आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछे या ट्रू एंड फॉल्स पूछे या आपको मैच द कॉलम पूछा जाए, आपको इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब कवर करना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अभी यहाँ पर क्या दिया है, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं अमालगमेशन से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। जैसे यहाँ पर यहाँ पे लिखा था आपको कि अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज इज गवर्न बाय, तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी गवर्न किसके अंदर होता है, AS 14 के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप मिस मत करना। मतलब जितना भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ इसमें से गारंटेड एग्जाम में आपको 14 से 15 आपको आएंगे। मतलब टोटल आपको 24 आएगा एग्जाम में, आप 24 के 24 अटेम्प्ट करना, जिसमें से आपको 14-15 तो इसी पीडीएफ में से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अमालगमेशन ऑफ द कंपनी इज गवर्न बाय AS 14। आपको ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा तो AS 14 डालोगे। मान लो ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया तो आपको लिख दिया कि अमालगमेशन ऑफ द कंपनी गवर्न AS 14, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिख दिया अमालगमेशन ऑफ द कंपनी गवर्न AS 15, 16, 5, 10 कुछ भी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में कुछ भी बना के आपको पूछा जा सकता है। जैसे मैच द कॉलम में कैसे पूछा जाता है, अमाल कमीशन दिया रहेगा और सामने AS 14 दिया रहेगा, तो आप मैच कर सकते हो ऐसे। तो मैं आपको एक बताया कि एक ही क्वेश्चन को कैसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा यहाँ पर है, अप्रूवल बाय 90% ऑफ द शेयर होल्डर इज द नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट एज इन द नेचर ऑफ मर्जर। किसमें रिक्वायरमेंट रहता है, बोलता है अप्रूवल बाय डैश, ठीक है, शेयर होल्डर इज द नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन मर्जर। यदि कंपनी मर्ज हो रही है नेचर ऑफ मर्जर मेथड से है, तो कितने परसेंट शेयर होल्डर का रिक्वायरमेंट रहता है अप्रूवल का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 90%। कितने परसेंट, 90% शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी होता है। थर्ड यहां पे दिया है, ऑन अमालगमेशन द ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफर इज द असेट्स ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्या दिया यहाँ पर, अमालगमेशन के अंदर जो ट्रांसफरर कंपनी रहती है वो ट्रांसफर करती है, क्या ट्रांसफर करती है, असेट्स को। कहाँ पे ट्रांसफर करती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करती है, बुक वैल्यू पे। किस पे ट्रांसफर करती है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करती है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, फॉर द अकाउंटिंग मर्जर द मेथड फॉलो बाई डैश, बोलता जो अकाउंटिंग का मेथड होता है मर्जर का वो कौन से मेथड को फॉलो करता है। क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर, द अकाउंटिंग मर्जर द मेथड्स ऑफ फॉलो इज द डैश इज द फॉलोइंग। क्या देखा, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड को किसको फॉलो करता है, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है, अंडर द परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स अक्वायरिंग शुड बी रिकॉग्नाइज एज। क्या लिखा है यहाँ पर, परचेस मेथड में एक्सेस ऑफ द कंसीडर द ओवर द एसेट्स अक्वायर द शुड बी रिकॉग्नाइज, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुडविल बोलते हैं। उल्टा दे दिया, लेस दे दिया यहाँ पर, तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है यहाँ पर। ऑन द अमालगमेशन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज द बैलेंस शीट ऑफ द वेंडर कंपनी इज ट्रांसफर टू डैश। क्या लिखा है यहाँ पर, अमालगमेशन में जो प्रोविडेंट फंड रहता है इसको हम लोग बैलेंस शीट में वेंडर कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करती है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर, अंडर अमालगमेशन एज अ परचेस ऑफ बिजनेस द रिजर्व कैरिड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आर। क्या लिखा है यहाँ पर, अंडर अमालगमेशन एज अ परचेस ऑफ बिजनेस द रिजर्व कैरिड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इज आर डैश। बोलता जो रिजर्व रहता है किसकी, ट्रांसफरी कंपनी को, कहाँ पे आता है, स्टैचुटरी रिजर्व में। सिर्फ कहाँ पे आता है, स्टैचुटरी रिजर्व में आता है। अंडर परचेस मेथड एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स टेकन ओवर इज डैश अकाउंट गुडविल। क्या आ जाएगा यहाँ पर, गुडविल आ जाएगा। क्या लिखा है, अंडर परचेस मेथड एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, जो परचेस कंसिडरेशन एक्सेस रहता है किससे, नेट एसेट्स टेकन ओवर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुडविल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का
चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज हम लोग देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ द करेंसी द कवर्ड इन एज डैश, तो AS 11 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? AS 11 के अंदर। क्या लिखा है यहाँ पे? कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज कवर्ड इन द AS, बोलता है कन्वर्जन ऑफ करेंसी किसके अंदर आता है? AS 11 के अंदर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द बैलेंस ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट सेल्स इज ट्रांसफर टू डैश। क्या लिखा है यहाँ पे? द बैलेंस इन द एक्सचेंज डिफरेंसेस, बोलता जो बैलेंस रहता है एक्सचेंज डिफरेंसेस का, ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे लिखा है द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम, बोलता है क्या लिखा है यहाँ पे? फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मॉनिटरी आइटम, तो स्टॉक क्या होता है? नॉन मॉनिटरी आइटम के पार्ट्स होता है। एवरेज रेट इन द एवरेज रेट इज अ रेट ऑफ इज के डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा इन द मीन्स ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या आ जाएगा? इन द मीन्स ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या लिखा है यहाँ पे? एवरेज रेट इज अ रेट ऑफ, क्या है यहाँ पर? इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज रेट, यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉरेन करेंसी जो करेंसी है, क्या है? अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी रहती है? फॉरेन करेंसी द करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी, यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकवर्ड इन, क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस इज रिकॉर्डेड इन डैश। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में। क्या लिखा है यहाँ पर? द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस इज रिकॉर्डेड इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या आता है? वाइंड अप बाय द NCLT इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंड अप, जो क्या रहता है यहाँ पर? वाइंड अप इज NCLT इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। NCLT ने क्या किया यहाँ पर? वाइंड अप किया, तो इसे हम लोग कंपल्सरी वाइंड अप बोलते हैं। प्रिफरेंस क्रिएटर क्या होता है? तो टैक्स हो गया, ड्यू टू द गवर्नमेंट है, या फिर वेजेस सैलरी, ये सब को हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या क्या हो सकता है? टैक्स हो सकता है, ड्यू टू द गवर्नमेंट हो गया, वेजेस एंड सैलरी, ये सब क्या हो गया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर आर शो इन लिस्ट बी में आता है। कहाँ पे आता है? लिस्ट बी में। क्या लिखा है? इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर आर शो इन लिस्ट बी के अंदर आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? अ कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूटरी इज अ शेयर होल्डर। कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? शेयर होल्डर को हम लोग कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? पेटिशन ऑफ वाइंड अप कैन बी फाइल्ड बाय कंट्रीब्यूटरी, ठीक है, ROC और कंपनी। क्या लिखा है यहाँ पर? पेटिशन ऑफ वाइंड अप कैन बी फिल्ड बाय कंट्रीब्यूटरी, ROC, कंपनी, ये लोग फाइल करते हैं। अमाउंट ड्यू टू एन एम्प्लॉय आउट ऑफ PF इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? अमाउंट ड्यू टू दी एम्प्लॉय आउट ऑफ प्रेफरेंशियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा। PF का जो अमाउंट रहता है वो क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है? इन केस ऑफ शेयर्स कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 5% ऑफ इशू प्राइस, बोलता है इन केस ऑफ शेयर्स रहेगा तो कमीशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर, इन केस ऑफ डिबेंचर द कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ इशू प्राइस। क्या लिखा है यहाँ पे? इन केस ऑफ डिबेंचर द कमीशन कैन नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ इशू प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है? अनमार्क एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन बेयरिंग नो स्टैंप ऑफ द अंडरराइटर, बोलता है अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है? जिस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं होता उसे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। व्हेन ऑल द शेयर्स आर अंडररिटन इट इज द कॉल्ड फुल अंडररिटन बोलते हैं। क्या लिखा है? व्हेन द ऑल द शेयर्स आर अंडररिटन इट इज कॉल्ड द फुल अंडररिटन बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट यहां पे लिखा है
मार्क एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन स्टैम्प बाय द अंडररैटर। मार्क एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, वो एप्लीकेशन होता है जिसके ऊपर स्टैम्प किया जाता है अंडररैटर के थ्रू। आगे अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ अंडररैटर अनलेस ही हैड होल्ड द सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी। क्या लिखा है यहाँ पे, अ पर्सन कैन नॉट एक्ट द अंडररैटर, कोई पर्सन को अंडररैटर तब तक नहीं बोलेंगे अनलेस ही हेल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांटेड बाई, ठीक है, जो सर्टिफिकेट रहता है वो जब तक उसको सेबी से नहीं मिला रहेगा। एलएलपी के अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं रहता मैक्सिमम नंबर का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स। क्या लिखा है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर टू बी प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स उसको रखेंगे कितना, 8 ईयर्स तक हम लोग रखते हैं। एलएलपी एज द परपेचुअल सक्सेशन, क्या है एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन रहता है, मतलब वो कंटिन्यू चल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है राइट ड्यूटी ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट्स के अंदर आता है। एलएलपी द क्रेडिटेड बाय एलएलपी क्रिएटेड बाय एलएलपी एक्ट के अंडर आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आर मेंटेन ऑन कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस दोनों पे बनाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।